तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य सेकेंड प्रश्न पत्र के बारे में। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की थी, ये द्वितीय प्रश्न पत्र की है। जैसा कि आपको पता है हिंदी के दो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में रूल्स चेंज हुए हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटी में रूल्स अभी नहीं चेंज हुए, यानी कि सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं, लिखने ही वाला आता है, ठीक है। तो उनको उन स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है उसके लिए भी बनाइए। तो ये पिछले साल का मॉडल पेपर है सब्जेक्टिव का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल है क्योंकि क्वेश्चन हिंदी के लगभग सेम ही आते हैं। तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा आज के इस वीडियो में कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की प्रसंग व्याख्या कीजिए। अगर आपके जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भले ही ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन लगभग जो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप आई होप अगर आप ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आई होप इनसे भी आप लोगों को हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएँ, लेकिन फिलहाल आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ये पूरा गद्यांश है, इनमें से आप लोगों की एक की व्याख्या करनी है, ठीक है। इसमें से तीन चार भी मैं दिखाऊंगा, तीन चार दिए गए हैं जिसमें से आप लोगों को एक करना है, जो कि आप लोगों का उसके अंक निर्धारित कर दिया गया है, 7 नंबर का होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, एक नंबर ये है, ठीक है, एक नंबर एक है, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं है कि विवेक को ही एक खा जाए, ठीक है। दूसरा नंबर ये है, चाहे आप वो करिएगा चाहे एक ही करिएगा, नंबर आप लोगों को एक ही के मिलेंगे चाहे आप सारे कर डालें, फिर भी बहुत क्रोध और साहस है इस नौजवान में, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका यह तेवर, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गया, मैं तीसरा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, तीसरा कहाँ गया, दो ही है मैं लग रहा शायद, फिलहाल मैं भी आप लोग क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ऑप्शन आप लोगों को दो ही मिल पाएंगे, ठीक है, एक ये है, चाहे जो आ रहा हो उसके बारे में आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं। फिलहाल मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, संदर्भ होगा जो आप लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश, जो भी है प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, जिस जहाँ से लिया गया है, ठीक है, उसका नाम लिखना है, इसके रचयिता या इसके लेखक श्री जो भी हैं उनका नाम लिख देना है, ठीक है, बस संदर्भ हो जाएगा। और प्रसंग में आप लोगों को क्या लिखना है मैं आपको बता दूं, जिसके बारे में आप लोगों को इस गद्यांश में बताया गया है उसी के बारे में आप लोगों को डिटेल में जो बताया गया है जिसके बारे में उसी का नाम आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आप लोगों को, तो प्रसंग उसे कहते हैं जैसे कि जिस भी पार्ट को व्याख्या का, ठीक है, व्याख्या के लिए लिया गया उसमें कौन सा भाव, ठीक है, कौन से विचार का वर्णन किया गया है उसे ही प्रसंग बोलते हैं। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, इसमें जिस भी भाव विचार का वर्णन किया गया है बस वही लिख दीजिएगा, ठीक है, कि इसमें इस विचार और भाव का विस्तृत वर्णन किया गया है, बस प्रसंग आप लोगों का हो जाएगा। व्याख्या आप लोगों को पता ही कैसे करनी है, पूरे के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना होगा, ठीक है, एक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ जाता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसकी बात करता हूँ पहले, ठीक है। तो दो नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो के प्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें एक करना था, जिसके आप लोगों को 7 नंबर दिए गए थे, ठीक है। इसमें आप लोगों को दो के संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, सेम प्रोसीजर है, बस आप लोगों की जो व्याख्या जो भी आप लोगों का दिया गया है, ठीक है, सेंटेंस ये पूरा आप लोगों को पैराग्राफ वो चेंज है बस, ठीक है। तो दो करने हैं तो इसलिए आप लोगों को 14 नंबर मिलेंगे दो करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे। नंबर एक है, शायद से निकलो तो तकरीबन में डालो तो और तकरीबन से निकलो, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। दो ऑप्शन ये दिए गए हैं और तीसरा ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिया गया है, 3 है, ठीक है, और चौथा आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे न्याय को बल था। तो 4 है जिसमें से आप लोगों को दो पैराग्राफ के आप लोगों को संदर्भ से व्याख्या करने हैं, आपको 14 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे सारे क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पिछले साल का मॉडल पेपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है,
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर एक है, महाभोज उपन्यास की मूल चेतना को स्पष्ट करते हुए इसके शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। और दो नंबर ऑप्शन है, महाभोज उपन्यास से चित्रित राजनीतिक बोध के वर्तमान प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास की तात्विक विवेचना कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने सीरीज नहीं खरीदा मार्केट से यानी क्वेश्चन बैंक तो खरीद लीजिए, अदरवाइज गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि गूगल पे आप कितना ढूंढेंगे क्वेश्चन बैंक ही परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है, जिसमें से दो के आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चार नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर एक, जैनेन्द्र की कहानी इनाम की मुख्य पात्र, ठीक है, धनंजय की माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा है, पंचलाइट ग्रामीण सामाजिक जीवन के बदलाव की कहानी है, इस कथन के आलोक को पंचलाइट की समीक्षा दीजिए। तो इसमें से दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, दो हैं, इसमें से आप लोगों को एक करना है जिसके आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएंगे। ये पंचलाइट के बारे में आप लोगों को शायद मालूम ही होगा, ठीक है, ये बहुत पहले से क्वेश्चन चला आ रहा है और इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था यानी पिछले साल, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप आई होप आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा, तो इसी के बारे में लिख दीजिएगा, थोड़ा डिस्क्राइब करके आप लिखिएगा जिससे आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएँ, ठीक है। मेरे इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का यही है कि आप लोगों को कम से कम जो क्वेश्चन ना आए फिर भी आप लोगों को आइडिया तो लग जाए, क्योंकि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछा जाता है, इस सब की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यही मेरा मेन उद्देश्य है बनाने का वीडियो। जिन स्टूडेंट को लगे कि मैंने अच्छा किया बना के वीडियो, वो लाइक करिएगा, अदरवाइज आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन हिंदी उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अथवा करके आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल जा रहा है कि प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास का स्वर्णिम युग है, इस कथन को तार्किक तथ्यों के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के बारे में आप लोगों को नॉलेज ही है, ठीक है, उसके हिंदी उपन्यासों के जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना है, बस प्रकाश डालने का मतलब वही हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये नहीं आ रहा तो प्रेमचंद्र, ठीक है, युग हिंदी उपन्यास का स्वर्णिम युग है, इस कथन को तार्किक तथ्यों पर आप लोगों को लिखना है, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, 10 नंबर आप लोगों को इसके भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी की हिंदी कहानी की विकास यात्रा के विरोध सोपानों को समझाइए, अथवा करके नई कहानी की प्रवृत्तियाँ विषय ओम आलोचनात्मक आलेख कीजिए, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को भी एक ही का आंसर देना है जिसके आप लोगों को 9 मार्क्स मिलेंगे यानी कि 9 नंबर मिलेंगे, चाहे ये लिखिएगा चाहे ये लिखिएगा, ठीक है। फिलहाल नई कहानी बहुत ही जनरली क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छा लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जितना भी हो सके लॉन्ग में लिखिएगा, ठीक है, यानी कि कम से कम कोई भी क्वेश्चन हो 3-4 पेज में आप लोग लिखिएगा ही, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में या इस टॉपिक के बारे में कितना अच्छा नॉलेज है, कितना आप इसके बारे में लिख सकते हैं डिस्क्राइब करके, ठीक है, तो वो आप लोगों को अच्छे मार्क्स देता है। तो यही जानकारी देनी थी, ये सब सारे क्वेश्चन बताने थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, बस इतने ही क्वेश्चन हैं इस मॉडल पेपर में। आपके मॉडल पेपर हो सकता है चेंज आ गया हो तो 6-7 क्वेश्चन हो जाएँ, ठीक है, जो आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। और हाँ, जिन स्टूडेंट को मैं बताना चाह रहा था कि ये आप लोग कहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ये पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, ठीक है, वेबसाइट के लिंक पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोग गूगल क्रोम पर पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग को ये आप लोगों को वहाँ पर एक आप लोग बॉक्स दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा BA BSc BCOM के बारे में, वहाँ पर बहुत सारी डिटेल बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये PDF भी मैं वहीं पे डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा लिंक, तो उससे ज्वाइन हो जाइएगा, तो मैं उस पर भी डाल दूँगा, ठीक है। तो बस
मैंने दोस्तों एक और नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है हिंदी न्यूज़। अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।